100। आइए रुकते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीसी शर्मा ने भाजपा पर लगाया आरोप, भीम आर्मी ने किया विरोध, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, कैबिनेट की हुई वर्चुअल बैठक, कांग्रेस पर किया हमला, हितग्राहियों का हुआ गृह प्रवेश, विधायक रहे मौजूद। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि भाजपा कुछ नहीं कर सकती है, भाजपा ने सिर्फ कोरोना ही फैलाया है। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 2500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही जिम्मेदार है। इसी के साथ पीसी शर्मा ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कहा पीसी शर्मा ने इस रिपोर्ट के जरिए। निश्चित तौर पर जितना अच्छा परफॉर्मेंस भोपाल को करना था नहीं किया, और अभी भी नगर निगम की जो व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। 3 दिन से लोगों घर में पानी नहीं आ रहा है। पीछे ही चार इमली में एक फूले नगर है, झुग्गी बस्ती, और वन मंत्री के कर्मचारियों की कॉलोनी है, पाइप ये 3री बार फट गया है। वहाँ पर लोगों के घर में घुस गया, लोगों के सामान बर्बाद हो गए, झुग्गियाँ टूट गई, मकान टूट गए, किचन अच्छे अच्छे सरकारी गार्ड टूट गए, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई मदद नहीं, केवल भर्राशाही चल रही है। और चाहे वो नगर निगम हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, और हमारी फिर मांग है कि 10 फीट की मूर्ति और उससे ऊपर की दुर्गा जी की बनाने की इस प्रजापति समाज को दें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 30x15 का जगह दें जिस पंडाल की, बैंड डीजे सोशल डिस्टेंसिंग को अलाउ करें, दशहरे में रावण जो बड़ा होता जा रहा है इसको पूरे बड़े रावण को मारने की और जलाने की अनुमति दें, दशहरा मनाने की अनुमति दें। समितियाँ बार बार मांग कर रही हैं। जो लाठीचार्ज किया रोशनपुरा पे, जो दुर्गा जी की और दशहरे की और राम की बात कर रहे थे, ये हिंदू हितैषी बनने वाली सरकार, उसकी मैं निंदा करता हूँ, उनको जेल भेजा उसकी निंदा करता हूँ। ये केवल धर्म को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये चुनाव में वोट भगवान राम के नाम से मंगना चाहते हैं, लेकिन लोग भूखे हैं आज। और एक हमारे यहाँ वो है कहावत कि भूखे पेट न होई भजन गोपाला। ये राम राम की बात करेंगे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज भूखा है गरीब आदमी, आम आदमी भूखा है। पहले उसकी जेब के अंदर कुछ पैसा डालो, उसके घर में कुछ खाना दो, तब बाकी की बातें चलेंगी। महाजनसंपर्क अभियान चल रहा था, मंडल सम्मेलन करने जा रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये 6 महीने में इन्हें कोरोना फैलाया है, बेरोजगारी फैलाई है। ये मेरे पास कल आए थे वहाँ के, 83 लोगों को हटा दिया पर्यटन विकास निगम से, और लगातार लोगों को हटाते जा रहे हैं। अतिथि शिक्षक का जवाब दे दिया है विधानसभा में कि इनका कुछ नहीं हो पाएगा, इनको हम नहीं ले पाएंगे। बेरोजगारी फैल रही है, जो लोग छोटे छोटे दुकानदार काम करते हैं उसको 8 बजे बंद करा देते हैं। नवरात्रि और गणेश उत्सव ये मना नहीं दे रहे हैं, दशहरा मना नहीं दे रहे हैं, उसकी कोई गाइडलाइन दे नहीं रहे हैं। इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, धानुक समाज के, प्रजापति समाज के, डीजे वाले, बैंड वाले, टेंट वाले, लाइट वाले, पुजारी, पंडित जो सब पूजा पाठ कराते हैं, ये सब बेरोजगार हो रहे हैं। केवल बेरोजगारी, इसके अलावा इनके पास कोई नहीं, कहीं मंडल चले जाएँ, कैसे मंडल में चले जाएँ। इन्होंने कोरोना फैलाया, 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए और लगभग 2500 लोगों की जानें चली गई। इस सब के लिए बीजेपी की सरकार, शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। और ये चुनाव होगा एक ही पॉइंट पर, इस अभी चुनाव की क्या जरूरत थी। 5 साल के लिए सरकार को चुना था, विधानसभा को चुना था, पंजे से ये 25 लोग चुन के गए थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। ये इस बात की भी रिट याचिका दायर हुई है कि पैसा इनसे वसूला जाए जो खर्च हुआ। अगर वही आदमी लड़ता है, इस्तीफा दिया और वही लड़ रहा है, कोई वजह नहीं है, इसलिए पैसा इनसे वसूला जाए। ये जनता का पैसा है। और मुद्दा वही है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। ये सब 25 लोग जो गद्दार थे, जिन्होंने केवल कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं की, कमलनाथ जी के साथ नहीं की, जनता के साथ गद्दारी की, इसलिए वोट इस बात पर डलने वाला है। किसान का जो ऋण माफ़ी का पैसा नहीं दिया, 27 लाख के बाद इन्होंने रोक दिया, मुआवजा नहीं दिया, युवा पूरा बेरोजगार हो रहा है। रोज़ कल भी इंदौर में प्रदर्शन हुआ, किसान आत्महत्या कर रहा है, अभी बेरसिया में की, गोली मार रहे हैं किसान को, सतना में गोली मार दी। इसके अलावा इस सरकार नाम की कोई चीज़ इस समय मध्य प्रदेश में है नहीं,
ये चुनाव तय करेंगे इस प्रदेश की दशा और दिशा को। विद्यार्थियों को लैपटॉप की बात की, 75% पे देना था तो 80% पे दिया, CBSE के लोगों को नहीं दिया। अब पटवारी की बात कर रहे हैं, लैपटॉप दे के उनसे कुछ जुगाड़ करेंगे वहाँ पे चुनाव क्षेत्रों में, लेकिन होना कुछ नहीं है। कमलनाथ जी और कांग्रेस के प्रति वैसे ही लहर है जैसे 1977 में जनता पार्टी की थी, जैसे 80 में इंदिरा गांधी जी के लिए थी और 84 में कांग्रेस की थी जो मध्य प्रदेश में एक भी लोकसभा सदस्य नहीं जीता था। और पिछला जो दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें जो आप पार्टी की थी, जब अमित शाह जी जैसे लोग, मोदी जी जैसे लोग डोर टू डोर पर्चे लेके जनसंपर्क किया था, तब उनकी 2 सीट आई थी। वही स्थितियाँ हैं और दुनिया भर के जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस 28 की 28 सीट जीतेगी। वैसे तो 29 तारीख को, अभी इसके पहले 3 दिन पहले जब हुई थी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मध्य प्रदेश की चुनाव की घोषणा भी करना था। ये चुनाव आयोग ने उस समय कहा था कि 29 नवंबर से सब चुनाव कराएंगे, एक साथ करने में क्या दिक्कत थी। ये 4-5 दिन और मध्य प्रदेश में घोषणाओं के दिए, करीब 25-50 अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो गए, IAS के, IPS के, रोज़ दुकान चली हुई है। इनको लग रहा है कि हम आएंगे नहीं तो आप पहले ही ट्रांसफ़र कर दो, पैसे वसूल लो। रोज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। गोरख धंधा बना दिया है ट्रांसफर्स को। और पिछले अगर हम देखें 15-20 दिन में, तो मैं समझता हूँ कि 1,000 ट्रांसफ़र हो गए होंगे। और अभी 3 दिन के अंदर एक लाइन लगी हुई है ट्रांसफर्स की और वसूली की। ये इसलिए ही सब बढ़ाया गया, और जो घोषणाएं करना थी 3 दिन के अंदर जितनी घोषणाएं हुई है उतनी 1 महीने में नहीं हुई। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम रतलाम द्वारा PM आवास योजना के अंतर्गत डोसे गांव में निर्मित किए जा रहे EWS आवासों में हितग्राही परिवारों का गृह प्रवेश करवाया गया। सोमवार को शिव शक्ति नगर के 20 परिवारों ने शहर विधायक चैतन्य कश्यप की मौजूदगी में डोसी गांव में उनको प्रदान किए गए EWS आवासों में गृह प्रवेश किया। इस अवसर पर गोपाल चंद्र डाट सहित अन्य लोग उपस्थित थे। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। आज रतलाम नगर में फ्लैट के अंदर झुग्गी बस्ती के हमारे बंधुओं का गृह प्रवेश का कार्यक्रम पहला संपन्न हुआ। पिछले 5 सालों से यह योजना चल रही थी, आज ये मकानों के अंदर उनके जीवन का सपना साकार होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर मेरे लिए ये बड़ा गौरवशाली क्षण है, क्योंकि मैंने 2004 में राजनीति में प्रवेश इसीलिए करा था कि गरीबी को हम कैसे दूर करें, और गरीबी से मुक्ति का एक ही जो हमने सपना देखा था कि आवास हर व्यक्ति की अपनी छत हो, और उस सपने को हमने रतलाम में 12,000 से ज़्यादा परिवार चिन्हित करे थे, उसमें से करीब करीब 3-4 हज़ार परिवारों को तो 2.5-2.5 लाख रुपए की राशि उनके स्वयं के जगह पर मकान बनाने को दिए। परंतु आज जिनको मकान दिए गए हैं, ये रेलवे की भूमि पर शिवशंकर नगर के बंधु रहते थे, जहाँ पर इनको कभी भी पट्टा मिलना संभव नहीं था, उनमें से आज कई परिवारों ने, 132 परिवारों का लोन स्वीकृत हुआ है, 20 परिवारों ने आज यहाँ पर अपना गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा है। और इस अवसर पर हमारे फाउंडेशन को भी एक मौका लगा, 20,000 रुपये हितग्राही को देना थे, तब उसमें 10,000 रुपये हमारे फाउंडेशन से हमने मिलाए हैं, 10,000 रुपये अपने हितग्राही ने दिया है। और इस तरीके से, क्योंकि यह कोरोना का संकट काल है, राशि इकट्ठा करना हमारे गरीब परिवारों के लिए बड़ा मुश्किल है। अगले भी जो परिवार आएंगे उन सबको हम 396 परिवारों को यहाँ पर जो गृह प्रवेश होगा उनको लोन के अंदर 10-10 हज़ार रुपये की राशि, या अगर वो 10,000 अतिरिक्त और देते हैं तो हम 10,000 अतिरिक्त भी उनको देंगे। और यह एक राशि उनके जीवन को संबल प्रदान करे और उनके बच्चों का भविष्य बनाए। और आज निश्चित तौर पर यह प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का सपना है कि प्रदेश का हर परिवार समृद्ध हो, हर बच्चा प्रतिभाशाली बने, उसकी ओर बढ़ने वाला एक कदम है। और अपने घर, अपना छत, सबको आवास 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को नारा दिया है। पिछले 70 सालों में गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे, परंतु अगर सार्थक पहल प्रारंभ हुई है तो मुझे लगता है कि आज की यह पहल उन सार्थक पहलों में से एक बहुत बड़ी पहल है। उत्तर
प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ हुए गैंग रेप के विरोध में भीम आर्मी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्वर्णों द्वारा वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ गैंग रेप कर उसके गले की और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और आज पीड़िता की मौत हो गई, जिसका भीम आर्मी ने कड़ा विरोध किया। ये ज्ञापन उत्तर प्रदेश में हुई एक दिल दहलाने वाली घटना, जो अलीगढ़ के हाथरस ग्राम में एक हमारी वाल्मीकि समाज की बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में सामाजिक कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दुष्कर्म करके उसकी गले और रीढ़ की हड्डी तोड़ने के साथ में उसकी जीभ काट दी गई थी और वो कोमा में चली गई थी। तो उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज सुबह 3 बजे उनका देहांत हो गया है, वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो बहन को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। अगर शासन प्रशासन के द्वारा उसे न्याय नहीं दिया गया, सरकार द्वारा उसे न्याय नहीं दिया गया, तो हम लोग आगे और भी आंदोलन करेंगे। और हमारी बहनों बेटियों के साथ में लगातार ये होता जा रहा है कि बहुजन लोगों के साथ में आए दिन ये वारदातें होती है, बहुजन बेटियों के साथ में ये वारदातें होती है, लेकिन शासन प्रशासन हमेशा इसके लिए चुप रह जाता है। मेरा नाम चंचल परिहार है और मैं भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसी समय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो भी संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है वही राज्य सरकार भी देगी। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। इसी के साथ उन्होंने कई और मुद्दों पर भी बातचीत करने के साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नगर निगम में एक लंबे समय से मांग थी कि चंबल का पानी मुरैना आना चाहिए, उसकी पेयजल आवर्धन योजना जो थी और आसपास के जो निकाय थे उनमें जल आवर्धन योजना को भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में संचालित यात्री बस वाहनों के देह मोटर कर यान में छूट प्रदान किए जाने वाले यानों को लंबित भुगतान एवं यानों के एकमुश्त भुगतान की अवधि 31/3/20 में वृद्धि करते हुए 31/3/21 और छूट देने का भी आज तय किया है। ये 2020 के माह के सितंबर के 50% की छूट और टैक्स पूर्णतः माफ 1 अप्रैल 2020 से 31/2020 तक की अवधि का पूर्णतः माफ किए जाने का भी निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव आया, काज कृषक कल्याण योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसान के खाते में डाली थी, उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4,000 रुपया मिलाया और 10,000 रुपया आप किसान के खाते में आएगा। छोटे से छोटा किसान जिस पे आधा बीघा भी है, 1 बीघा भी है, 5 बीघा है, 10 बीघा, ये सब इसमें तिरोहित किए गए, सम्मिलित किए गए हैं। 77 लाख किसान थे, बढ़ के 80 लाख हुए, भले वे 85 लाख हों या जितने भी हो जाएं, सभी को ये 10,000 रुपया साल का लाभ मिलेगा। यहाँ मैं ये कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 5,000 करोड़ हर साल मिल रहा है और राज्य सरकार का लगभग 3,000 करोड़ हो गया, ऐसे 8,000 करोड़ रुपया प्रति साल किसानों के खाते में जाएगा। मतलब पाँच साल के अंदर 8,540,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जाएगा। अभी हम 8,000 करोड़ फसल बीमा योजना के अलग अलग रूप से बांट चुके हैं, 0% ब्याज का पैसा दे चुके हैं, लगातार किसानों को कर रहे हैं। वो सरकार जो सिर्फ किसान को धोखा दे रही थी कि 2 लाख माफ़ करेंगे और 1 भी किसान का 2 लाख माफ़ नहीं किया, जब बात करो तब खजाना खाली है। अब देखिए आप किसानों पर कैसे लक्ष्मी जी की वर्षा हो रही है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो रही है, ईश्वर की कृपा हो रही है और लगातार किसान के खाते में बड़ी बड़ी राशि जा रही है। कई दिनों से चलने वाले स्वास्थ्य कर्मी के प्रदर्शन के बाद अब स्वास्थ्य कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के निवास पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी नियमितीकरण की मांग की। स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि हम लोग पहले भी अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। हमारी धरना 3-4 दिन का लगातार रहेगा, भोपाल के लगभग हर संबंधित चौराहे पे
और संबंधित ऑफिस पे संबंधित मंत्री से हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और लगातार सड़कों पे धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे किसी से मुलाकात हुई? यहाँ पे उनके OSD साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने उनसे पिछली बार भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी अपलोड नहीं किया गया है। कितने डॉक्टर हैं आप लोग? हम लोग 710 आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं और STLS और LT को मिला के 590 पोस्ट हैं सर। इसमें टोटल 1300 टोटल पोस्ट हैं जी सर। थोड़े से जरा कर रहे हैं, पिछले 9 महीने से हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जिसके कारण हम लोग आए हुए हैं जी और 9 महीने से सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसमें से आयुष मेडिकल ऑफिसर, STLS और LT वाले हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, जो कि इस कोरोना महामारी में जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है प्रदेश को, और हम लोग सभी चयनित मेरिट लिस्ट होल्डर हैं और हमारा चॉइस फिलिंग भी हो चुका है, उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। और हम स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, NHM जो हमारी MD मैडम है उनके यहाँ भी जाके कई बार मुलाकात कर चुके हैं, कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब अगला कदम क्या होगा किया गया था ये बताइए। हम लोगों को अब सर ये एक वैलिड प्रक्रिया के थ्रू हुआ था, तो कहना तो कुछ नहीं, सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से हो रहा था और इतना काम फास्ट हो रहा था कि हम जहां भी कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे तो 15 दिन 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता, हम लोग वहां रिज़ाइन दे दिए। आज हम बेरोजगार हैं, आज हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं। अब तो हम सर सड़क में भीख मांगने के लायक, स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, उनके OSD साहब से मुलाकात हुई है, उनसे बात हुई है, उन्होंने बस पिछली बार की तरह इस बार भी हमारा ज्ञापन ले लिया, आश्वासन दे दिया। अब देखते हैं क्या कार्रवाई, अभी तो हम लोग सब NHM कार्यालय जा रहे हैं, मुलाकात करेंगे वहाँ MD मैडम से। हनन किया जा रहा है, हमें किसी प्रकार से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ना कहाँ से कोई सेटिस्फेक्शन जवाब दे। दीपक सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।